पर धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं, समुंदर है मेरे पास। सुल्तान मिर्जा का डायलॉग था ये भाइयों। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंकुश कुमार। मैं थेकड़ी में हूँ, एक होटल में एलिफेंट रूट। बहुत ही अच्छी नींद आई, बहुत दिनों से चिकन खा रहा था, आज मैंने वेजिटेरियन खाया रात को तो बहुत ही अच्छी नींद आई, पता नहीं क्यों। आज की हमारी ट्रिप होने वाली है थेकड़ी टू एलिपी 150 किलोमीटर बाय रोड। श्री कुमार, उन्होंने मुझे कल ही बोल दिया था कि सुबह 9:30 बजे हमें निकल जाना पड़ेगा क्योंकि हमें लगेंगे 2:30 बजेंगे। लुंगी में सोया था, ट्रेडिशनल लुंगी यहाँ की, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट, एयर कंडीशन, इसी से एसी का सारा काम हो गया। थैंक यू केरला, सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे लोग हैं केरला के। तो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं थेकड़ी टू एलिपी। थेकड़ी से एलिपी की तरफ बढ़ रहा हूँ और जैसे जैसे मैं एलिपी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, रास्ता डाउन डाउन जा रहा है। मावदार सड़कें हैं, बहुत सारे झरने हैं। अभी एक बहुत बड़ा वाटरफॉल हमें दिखा, वहाँ मैंने गाड़ी रोकवा ली। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्गीस जोसफ। वर्गीस जोसफ, बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहे हैं ये। सरल का नाम है पेक्सोन थ्री व्हील। और अभी भी 1.5 घंटा दूर है एलिपी, छोटे ब्रेक के लिए रुके हैं। तो मैं हूँ अभी एलिपी में। किस बोट में जाना है? हाँ, एलिपी की सबसे खास बात है हाउस बोट, वही मैं करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं पूरी बोट 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 लाइन में। आज का तो अकेला बादशाह मैं ही हूँ, पूरी बोट अपने नाम। और सबसे अच्छी बात क्या हुई मेरी ट्रिप की मालूम है? जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उसी टाइम बारिश होती है, जब मैं होटल में होता हूँ या मैं कार में होता हूँ। 2 घंटे का टाइम है, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं सो जाता हूँ। बढ़िया सा बेड लगा रखा है इन लोगों ने, और पीछे चेयर्स हैं। हाउस बोट, हाउस बोट। हाउ मच कॉस्ट फॉर वन डे? 8,000 फॉर 22 आवर्स। फुल बोट, सिंगल बेडरूम, फुल बोट। 35,000। ओके, सारे होटल रूम एसी हैं, फुल फैमिली। एलिपी कोई आ रहा है तो हाउस बोट बुक करो, लग्जरी बोट पानी के ऊपर, अलग ही बात होगी भाई। पूरी बोट अपनी है भाई, मजेदार एकदम। और आपको मैं अभी व्यू देता हूँ, जो व्यू कल की वीडियो में नहीं आ पाया वो वीडियो आज बनेगी। कि कल थी बहुत बड़ी बोट, 100 लोग भरे हुए थे उसमें, लेकिन ये पूरी बोट अपनी है, 2 घंटे के लिए हायर की है। थेकड़ी से एलिपी तक मेरे को लगे 5 घंटे, और उसके बाद जो ये चीज मिली पूरी थकान मिट गई भाई। एलिपी में सबसे ज्यादा है बोटिंग, अगर आपको हाउस बोट करनी है या आपको बोट के नजारे लेने हैं, रिसॉर्ट, लेक व्यू, कुर्सी की भी सीटिंग काफी अच्छी है, एकदम कंफर्ट। अगर आप केरला घूमने आ रहे हो तो कम से कम भी आपके पास 10 डेज होने चाहिए, मिनिमम 10 डेज। यहाँ पे बहुत कुछ है, एक्टिविटी, साइट सीन्स, बहुत कुछ है। अरे कहना क्या चाहते हो? छोटे से टनल को क्रॉस करने वाले हम लोग, ये छोटा एक ब्रिज बना रखा है लोगों ने यहाँ से वहाँ जाने के लिए। ये देखो ऊपर से बोट, और ये हम क्रॉस हो गए। ऑसम, ओ बोट जो है पेड़ को टच हो गई। रियल केरला देखना है तो भाई यहाँ आओ और देखो अपनी आंखों से। मैं जितना हो सकता है उतना आपको दिखा रहा हूँ क्या हुआ। मैंने वहाँ पे चश्मा रखा था मेरा और मैं उस पर बैठ गया, वो देखो वो पड़ा। कल की मेरी फ्लाइट भी है, मेरे को अभी यहाँ से जाते ही एक गॉगल की दुकान पे जाना पड़ेगा, पता नहीं वो मुझे तुरंत का तुरंत बना के देगा या नहीं। अज्जी स्मॉल बोट चला रही है, अज्जी को हम टकरा ना जाए कहीं। फोन का घर का कोई सामान लेके जा रहे हैं। बताओ यार कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे, अगर पानी थोड़ा सा ऊपर गया तो सीधा घर में जाएगा।
कमाल है यार, अंदर सोफा पड़ा हुआ है पर मैं 2 घंटे यहीं खड़ा रहूंगा क्योंकि यहाँ पे खड़े रहने के एक अलग ही मजा आ रहा है। 2 घंटे यार लाइफ के खड़े रह के निकाल सकता हूँ मैं, पर ये मिस नहीं कर सकता। इस समय किसका फोन आ गया, यहाँ पे नेटवर्क भी है क्या? बापू जी का फोन है। लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बोट ही है, बोट के अलावा ये कुछ यूज ही नहीं कर सकते। अगर इनको सिटी तक जाना है या कोई भी इमरजेंसी है तो इनको सिर्फ बोट से ही जाना पड़ेगा। हर एक के घर में एक एक बोट है अपनी, जैसे हमारे घर में मोटरसाइकिल होती है। भैया अपनी बोट पकड़ो और सिटी में जाओ। वैसे यहाँ पे भी शॉप्स बना रखी हैं साइड साइड में, ये शॉप्स हैं। इस साइड से उस साइड आने के लिए ये ब्रिज बना रखा है। देखो ये छोटी सी शॉप है जहाँ पे सामान मिलता है, वो भाई अपनी बोट सही कर रहे हैं और यही इनका मेन बिजनेस है। पूरे घर दिख रहे हैं, घर घर लोग रह रहे हैं यहाँ पे और बोट से ही उनका आना जाना होता है। ओ स्कूल पीपल्स, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। हाउस बोट फुल एयर कंडीशन, फॉरनर्स हैं उसके अंदर, उन्होंने पूरी बोट बुक कर रखी है। बिग हाउस बोट है, ज्यादातर आपको फॉरनर्स दिखेंगे क्योंकि 30,000-40,000-50,000 आसपास भी बड़ी बड़ी बोट हैं जिसके अंदर हर चीज है। डाइनिंग रूम, बेडरूम, रूम, टॉयलेट, एवरीथिंग, बार, डांस फ्लोर, सब दिस बोट। अगर नेक्स्ट टाइम कभी मैं केरला आया तो मैं हाउस बोट पे ही घूमूंगा और एक हाउस बोट को हायर कर लेंगे भाई। तीन पैर फिला के लेटेंगे, एक एक खोलेंगे, सोचना कि आपके गाइड आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं, उससे पैसा करवाना चाहते हैं या आपको वो सीरियसली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि रियल केरला क्या होता है। अभी मेरे गाइड ने मुझे बोला सर 1 घंटे नहीं 2 घंटे के लिए आप जाओ। सोचा यार 2 घंटे क्या करूंगा मैं बोट पे, मुझे नहीं पता था कि इतना डीप अंदर आने के बाद मेरे को रियल केरला का व्यू दिखेगा। क्या कहना चाहते हो? पर धंधे के लिए मेरे को जमीन की जरूरत नहीं, समुंदर है मेरे पास, मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता, समझे? हाँ देख लो हमसे गलती हुआ है पर हम गलत आदमी नहीं है। कैसीनो समझे, समझाने की जरूरत ना पड़ जाए। लोकेशन पे क्यों पता नहीं मेरे मुंह से डायलॉग पे डायलॉग निकले जा रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या क्या शूट करूं। ऐसी जगह मुझे दोबारा आना पड़ेगा ड्रोन लेकर। गैंग ऑफ बसेपुर जा रहा है, दिख रहा है वो छोटा सा वो जो लगा हुआ है जैसे बस स्टैंड होता है, वैसे ही वो एक बोट स्टैंड है। वहाँ पे बोट आती है, लोग टिकट देते हैं और लोग आगे शहर तक जाते हैं। नेक्स्ट टाइम भाइयों मैं ड्रोन लेके आने वाला हूँ और 2-3 दिन हम लोग बिताएंगे एक हाउस बोट में, फुल लग्जरियस हाउस का जो भी रेंट होगा देंगे और आपको दिखाऊंगा भाई नजारे। ऑफ सीजन में आऊंगा लेकिन 4 बेडरूम। अभी इन्होंने मेरे को ये बात बताई कि 10 महीने पहले इतना पानी का लेवल बढ़ गया था कि जितनी ये बोट है ना बड़ी बड़ी इनके ऊपर तक पानी चला गया था। आगे जितने लोकल रहने वाले लोग हैं वो 10 दिन तक बाहर रहे थे सिटी में। टी ब्रेक के लिए रुके हैं अभी। ईगल भाई चील है, बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। बंदे ने बुलाया और मेरे हाथ पे बैठा दिया डायरेक्ट। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी फ्लाइट पोस्टपोन कर दूँ, मैं पूरा देख के जाऊँ, लेकिन पूरा देखने में भी और भी मेरे ड्राइवर ने बोला कि और भी 10 दिन लगेंगे। अलीपी एक बहुत ही कमाल की जगह है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, हाउस बोट ले सकते हैं, बहुत सारे एंजॉयमेंट हैं। मैं भी एक बोट में ही अभी घूम रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। मेरी आंखों देखा एक्सपीरियंस मेरे को सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस अलीपी का लगा। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि मैंने मेरा गॉगल तोड़ दिया है, गलती से मैं उसके ऊपर बैठ गया और वो पावर वाले हैं, वो मुझे ठीक कराना पड़ेगा, मेरे को उसी की टेंशन हो रही है। इसे मैं नाइट में नहीं लगा सकता, आपको मालूम है सनग्लासेस है, फिर भी मैं लगा के बैठा हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।